लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित आजाद भारत की पहली राजनीति पार्टी जनता पार्टी जेपी का हुआ पुनर्गठन। जेपी के गांव सिताब दियारा में देश भर से आए जनता पार्टी जेपी के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। जयप्रकाश बंधु बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनता पार्टी जेपी का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु ने बताया कि देश की राजनीति में एक बेहतर राजनीति विकल्प देने के साथ जेपी द्वारा जिन सपनों को देखा था उसे साकार करना, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू इक्वल एजुकेशन के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर देश का विकास हो, इसके लिए इस पार्टी का पुनर्गठन किया जा रहा है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष से बात की हमारी सहयोगी रजनी सांडिल्य ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। सभी को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो था, उस अधिवेशन का उद्देश्य था कि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा था और पार्टी संविधान के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन, दो दिन, चार दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए, ठीक है। तो उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुख्य मुद्दा था और पार्टी के जो, चूँकि कमिंग 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2023 में कई राज्यों में, 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसकी नीति रणनीति, पार्टी के आर्थिक नीति, पार्टी के शैक्षणिक नीति, पार्टी के मजदूर नीति, किसान नीति, पार्टी का जो इन सारे तबकों के बारे में, विदेश नीति, इस पर जो भी पार्टी के पक्ष थे, जो पार्टी के दृष्टिकोण थे, उस पर चर्चा परिचर्चा हुआ, उस पर प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्तावों के आलोक में अब पार्टी 2 वर्ष तक उसी, मतलब आज ही के द्वारा तय किए गए, मतलब कि रोड मैप पर 2 साल सर पर दौड़ेगी। यही मतलब कि अधिवेशन का उद्देश्य था। क्या नाम पड़ेगा? जयप्रकाश बंधु नाम हुआ। पक्ष में है और अन्य कोई प्रस्ताव मेरे पास अभी नहीं आया है। अतः राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश बंधु जी का निर्विरोध निर्वाचन होने की घोषणा करता हूं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्षों से विचार विमर्श कर 23 जनवरी जो हमारा जनता पार्टी का स्थापना दिवस है दिल्ली में किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में पुनः निर्वाचित किया, इसके लिए मैं आप सब हम लोगों के प्रति अपनी तय दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।